बेमेतरा जिले के साझा ब्लॉक के ग्राम सहसपुर लालपुर में संचालित वेंकट रमन नायडू पोल्ट्री फार्म में विगत कुछ दिनों पूर्व स्थानीय मजदूरों की छटनी कर दूसरे राज्यों से मजदूर लाकर भर्ती किया जा रहा था, जिसके विरोध में स्थानीय मजदूरों ने जिला कलेक्टर व श्रम विभाग को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाया था। वही जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता हीरालाल साहू व सभापति राहुल टिकरिया के नेतृत्व में स्थानीय मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पोल्ट्री फार्म का घेराव किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म के जनरल मैनेजर के द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। मौके पर साझा थाना की टीम व नगर देवकर चौकी पुलिस बल मौजूद रहे। काम कर रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे हम लोग, लगभग दो साल ढाई साल ऐसे कुछ हो गया था, और हमको परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रहा था, काम नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोग परेशान हो गए थे। ना हमको पीएफ वगैरह कुछ नहीं कट रहा था, तो हम क्या करें कुछ नहीं करें, और दस दिन ऐसा कुछ बुला रहा था, दस आदमी को और 10 दिन दूसरे आदमी को, ऐसा करके 10-20 दिन ऐसा बैठा देते थे कुछ आदमी को और बाकी आदमी को बुलाते थे। तो हम लोग परेशान हो गए थे कि बाकी आदमी क्या करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा करके। तो अभी छटनी कर दिए थे, कितने लोगों को निकाल दिया गया था? अभी छटनी करके पूरा ही आदमी को बंद कर दिए थे, पूरा 55-60 आदमी को ऐसे कुछ बंद कर दिए थे। तो उसी के विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन अभी सहसपुर ग्राम में किए थे, और पता नहीं अभी जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। 10 दिन के टाइम दिया है, लेकिन पता नहीं 10 दिन में लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे वो डाउट लग रहा है मुझे सर। कि यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म का संचालन होता है, इसमें इनके प्रबंधक जो समिति है, उनके द्वारा कुछ पूर्व में आश्वासन दिया रहा होगा गया इनकी नौकरी को लेकर और सुरक्षा को लेकर। इस संबंध में जो स्थानीय ग्रामवासी हैं, उन्होंने SDM को और सूचना दिया था कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, जिस संबंध में थाना साझा और देवकर की बल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है अभी, जिस कुछ अगर सॉल्यूशन उसका आता है, किस तरीके से आपसी इनके में सामंजस्य बनता है, अवगत कराया जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों को भी। नायडू पोल्ट्री फार्म है जहाँ पे लगातार बाहरी मजदूरों को लाने का काम और लोकल मजदूरों को छटनी का काम, साथ ही महिला जो मजदूर हैं यहाँ ग्रामीण, उनके साथ प्रताड़ना की शिकायत थी, जिसके खिलाफ़ हम सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं। और कंपनी ने आज जिस हिसाब से, उनका कहना है कि 10 दिन के अंदर जो हम लगभग 55 मजदूरों का छटनी किया, उनका हम वापसी करेंगे बता रहे हैं। और जो महिलाएं थी, उनकी एक मांग थी कि हमें एक लीडर चाहिए हमारे बीच से, तो उनके लीडर के लिए उन्होंने बात एक्सेप्ट किया है। कुछ मांगों के लिए उन्होंने समय मांगा है, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। अगर मांग जल्द पूर्ण नहीं होती है तो फिर से यहाँ पे आंदोलन होगा, उसके बाद बातचीत नहीं होगी, सीधा निरंतर यहाँ पे आंदोलन चलेगा। है ही नहीं है, वो तो निकाला गया तभी तो इनका तो ये होता है ना, निकाला ही नहीं गया, वो खुद ही तो रुक गया है। अभी अलग अलग क्या तो डिमांड लेके आ रहा है, लेकिन जो शासन से, जो प्रशासन से या जो भी है रूल प्रकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिर अपन उससे ज़्यादा होके ये कर रहा है तो मुश्किल है। हम भी क्या है, बिजनेस करने के लिए है, सभी के लिए तो ये करके चलाना ही है। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जब आप कुछ किए नहीं है, निकाले नहीं है, तो क्या प्रदर्शन? वो तो फिर उनका अलग अलग कुछ और ज़्यादा डिमांड बोलने लगे। अभी आप ही लोग को बोल रहा है ना, कुछ हो जैसा है तो कर सकते हैं, वो परमानेंट करो बोलते हैं। वास्तव में तो वो दूसरा कंपनी है, हमारा नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी काम कर रहा है कि उनका दोनों का बीच में ये ना हो करके, वो दूसरा कंपनी ने